हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डॉक्टर एएन क्लासेस। आज की वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के सेल चैप्टर के पार्ट नंबर 4 को देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग एनिमल सेल और प्लांट सेल को पिछले चैप्टर में देख चुके हैं कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। एनिमल सेल लगभग क्या होता है, गोलाकार होता है, गोल होता है, और प्लांट सेल कैसा होता है, चौकोर बताया गया था। ये जिनको भी अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ाया जा रहा है, तो ये आप लोग, इसे भी पहले हम लोग 3 वीडियो बना चुके हैं, अब हम लोग आगे वीडियो पार्ट नंबर 4 देखने जा रहे हैं। अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे क्या आने वाले हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यूस मिलती रहे। चलिए देखते हैं आगे। इसमें फर्स्ट क्या है, फर्स्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं माइटोकांडिया, गल्जी बॉडी, उसके बाद सेंट्रोसोम, उसके बाद हम लोगों ने देखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें भी उसका 2 पार्ट बनाए थे हम लोग, एक सॉफ्ट था और एक क्या था, रफ था। तो ये जो सॉफ्ट वाला मुलायम मुलायम वाला है, ये क्या बनाता है, फैट बनाता है, और इधर रफ सरफेस था, कुछ रफ सरफेस, ये क्या थे, राइबोसोम थे। उसके बाद आपने देख लिया वैक्यूल्स, उसके बाद न्यूक्लियस, और ये लाइसोसोम, यहाँ तक आप देख चुके थे। जो ऊपर यहाँ पाया जाता था, इसमें कोशिका झिल्ली पाया जाता है, इसमें कोशिका झिल्ली पाया जाता है। अभी मैं दिखाता हूँ क्या है, जो इसमें देख लिया कोशिका झिल्ली पाया जाता है, वैसे भी इसमें प्लांट सेल में भी अंदर कोशिका झिल्ली पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली इसको बोलते हैं, ये हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। यहाँ पर देख रहे हैं प्लांट सेल में भी क्या पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली तो पाया जाता है, लेकिन प्लांट सेल में एक एक्स्ट्रा ऊपर से एक दीवार बना रहता है, दीवार को इंग्लिश में वाल बोलते हैं, और जियो बायोलॉजी की भाषा में उसे क्या बोलते हैं, भित्ति बोलते हैं। तो इसे क्या बोल देंगे, ये सेल वाल पाया जाता है इसके ऊपर, सेल वाल। और इसमें क्या पाया जाता है, इसमें सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। आपको पिछले वीडियो में मैंने बता चुका हूँ सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है, प्रोटीन का बनाता है, 50% इसमें प्रोटीन होता है और 50% लिपिड होता है। आज हम लोग उसी को ओरिजिनल कैसे रियल में दिखता है, वो आज हम लोग 3D फिगर के माध्यम से काट करके बनाया हुआ हूँ, देखो कैसे बनता है। 3D फिगर में आपने पढ़ा है माइटोकांडिया, माइटोकांडिया दिखता कैसे है, ये है माइटोकांडिया। माइटोकांडिया का काम क्या बताए थे, इसका काम था पावर हाउस ऑफ द सेल, यही से ऊर्जा घर बोलते थे, क्या बोलते थे, ऊर्जा घर। वैक्यूल्स का काम क्या था, ये पानी स्टोर करता था, वैक्यूल्स पानी स्टोर करेगा। उसके बाद न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या बोलते हैं, इसमें क्या रहता है, डीएनए का इनसाइड रहता है, और इसे ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं, आपने पढ़ा है ब्रेन ऑफ द सेल। उसके बाद राइबोसोम, राइबोसोम का काम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का 2 भाग हमने बताया था, एक सॉफ्ट होता है और एक क्या होता है, रफ होता है। तो रफ वाला क्या, रफ किसके मदद से प्रोटीन बनाता है, राइबोसोम के मदद से। तो ऊपर देख लिया हमने ये वाला एरिया जो रफ वाला है, और जो सॉफ्ट वाला है इसे क्या बोलते हैं, ये फैट का निर्माण करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो ये झिल्ली है, झिल्ली के ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। और देखिए लाइसोसोम्स, इसका काम क्या क्या था, ये लाइसोसोम हो गया, इसका काम साफ सफाई, क्या है, साफ सफाई इसके अंदर आता है, वेसिकल्स। उसके बाद गल्जी बॉडी, गल्जी बॉडी आपने देख लिया है, गल्जी बॉडी का काम क्या था, ऊर्जा परिवहन करना, ऊर्जा परिवहन करना एक स्थान से दूसरे स्थान। साइटोप्लाज्म क्या करता था, कोशिका विभाजन, क्या इसका काम है, कोशिका विभाजन। यहाँ तक एनिमल सेल का देख लिए, अब बढ़िए इसी का देख लेते हैं हम लोग सेल वाला, ये देख लीजिए यहाँ इसमें कैसा है, ये गोल है। अब देखिए अब हम लोग देखते हैं प्लांट सेल कैसा दिखता है, प्लांट सेल कैसा दिखता है। तो प्लांट सेल में न्यूक्लियस भी देख लीजिए, न्यूक्लियस का सेम काम है, ये क्या करेगा, न्यूक्लियस इज आपने पढ़ रखा है क्या, ब्रेन ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल। उसके बाद राइबोसोम्स आपने ऊपर देख लिया, ये हो गया एमीप्लास्ट, एमिलोप्लास्ट। उसके बाद साइटोप्लाज्म पेड़ पौधों में ही पाया जाता है, आगे बताऊंगा मैं। ये सेल मेम्ब्रेन जो अंदर है, ये वाली एरिया अभी बताया था कि इसमें प्लांट्स में जो होता है, पादप में सेल वाल तो होता ही, सॉरी सेल मेम्ब्रेन तो होता ही है, ऊपर एक अलग से, देखो एक तो ये सेल मेम्ब्रेन अंदर वाली है, ऊपर एक अलग से परत दिख रही होगी आपको, ऊपर एक अलग से परत, ये वाली इसे जो ऊपर एक परत अलग से रहती है, इसे बोलते हैं सेल, ये अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन हो गई, और जो ऊपर वाली हो गई सेल वाली है, कोशिका भित्ति बोलते हैं, कोशिका भित्ति। उसके बाद ये है माइटोकांडिया, पेड़ पौधों में माइटोकांडिया, वैक्यूल्स, ये वैक्यूल्स में अंतर होता है, वैक्यूल्स जो
प्लांट में होते हैं वो बड़े होते हैं, और एनिमल में वैक्यूल्स कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। अभी आगे अभी मैं इसका रिवीजन कराऊंगा एक बार। क्लोरोप्लास्ट ये केवल पेड़ पौधों में पाए जाते हैं, गल्जी एपरेटस वही गल्जी बड़ी है। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी ऊपर पढ़ा रखा हूँ इसलिए इसमें दोबारा टाइम वेस्ट करना अच्छी बात नहीं है। अब देखिए ये है एनिमल सेल और प्लांट सेल। अब देखिए एनिमल सेल में, जो एनिमल सेल में कुछ और चीज़ें देखते हैं हम लोग। एनिमल सेल में देखे होंगे ये हो गया सिलिया और ये हो गया फ्लेजला। सिलिया जो एनिमल सेल होते हैं उनमें ऊपर सेल के ऊपर छोटे 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 बाल के रूप में क्या करती है, बना रहता है, उसे क्या बोलते हैं, सिलिया बोलते हैं। और जो फ्लेजला होता है वो पूंछ के आकार का होता है, पूंछ के आकार का, बड़े से पूंछ जैसी आकृति लेकर आता है। ये केवल क्या पाए जाते हैं, ये जो दोनों पाए जाते हैं ये केवल एनिमल सेल में पाए जाते हैं, ये दोनों एनिमल सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में पाए जाते हैं, प्लांट सेल में नहीं पाए जाते। क्या, सिलिया और फ्लेजला। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या क्या एनिमल सेल में पाया जाता है और क्या क्या प्लांट सेल में पाया जाता है। तो ये देखिए जो एनिमल सेल होता है, इसी में मैं साथ साथ लिखते जाता हूँ, इसी में देखिए नीचे हम जो बना रखा है ऊपर हम लोग लिखते जाते हैं। ये देखिए एनिमल सेल जो होते हैं वो प्लांट सेल की तुलना में क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं। और जो प्लांट सेल होते हैं क्या होते हैं, लार्ज होते हैं, लार्ज या बड़े आकार के होते हैं। अब देखिए जो एनिमल सेल है वो क्या होती है, गोल होती है, और जो प्लांट सेल होती है वो चौकोर होती है। आ रही बात समझ में, इन दोनों में अगर डिफरेंस पूछे तो। उसके बाद देखिए इसमें जो वैक्यूल होता है, पानी स्टोर करने की क्षमता, प्लांट में क्या होता है, अधिक होता है यानी बड़ा होता है, और एनिमल सेल में क्या होता है, छोटा होता है। क्या, वैक्यूल्स, ये वैक्यूल्स, वैक्यूल्स क्या होते हैं, ये प्लांट सेल में बड़ा होता है और जो एनिमल सेल होता है उसमें छोटा होता है। और देखिए इसमें और अधिक क्या पाया जाता है, इसमें देखिए जो प्लांट सेल होते हैं दोनों में क्या क्या पाया जाता है, प्लांट और एनिमल सेल में दोनों में सेल मेम्ब्रेन पाया जाएगा, बताया था ऊपर, एक सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या पाया जाएगा, सेल वॉल पाया जाएगा, कोशिका भित्ति प्लांट सेल में क्या करेगा, पाया जाएगा, लेकिन सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाया जाएगा, न्यूक्लियस दोनों में मिलेगा। उसके बाद इस जो आपने पढ़ा था ER, एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, एंडोप्लाज्मिक सॉफ्ट और हार्ड, सॉरी सॉफ्ट और रफ दोनों में पाए जाते हैं, ये दोनों हो गए एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। राइबोसोम्स, राइबोसोम दोनों में पाए जाएंगे, राइबोसोम क्या करेंगे, दोनों में पाए जाएंगे, क्या करेंगे, कोशिका विभाजन दोनों में होगा। वैक्यूल्स, पानी स्टोर करने की क्षमता दोनों में रहेगी, और जबकि प्लांट सेल में बड़ा होता है और एनिमल सेल में स्मॉल होता है। माइटोकांड्रिया, ऊर्जा घर दोनों में पाया जाएगा। उसके बाद गोल्जी बॉडी, ऊर्जा का परिवहन दोनों में पाया जाएगा। अब देखिए इन दोनों में अलग अलग क्या क्या एक्स्ट्रा क्या पाया जाता है, सेंट्रोसोम भी दोनों में पाया जाता है। अब देखिए इसमें जो प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल में अलग से पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, सेल वाल और प्लास्टिड। सेल वाल क्या क्या पाया जाएगा, इसमें पाया जाएगा क्लोरोप्लास्ट, सेल वाल और प्लास्टिड। और इसमें क्या पाया जाएगा, इसमें मिलेगा आपको, इसमें अगर एनिमल सेल में देखोगे तो एनिमल सेल में सिलिया, फ्लेजला और लाइसोसोम। तो इसको अगर मैं अलग से बोलूं कि इसमें जो होगा सेल वाल एनिमल्स में, सी एनिमल सेल में क्या मिलेगा हमें, CFL मिलेगा, क्या मिलेगा, CFL, सी से सिलिया, एफ से फ्लेजला और एल से लाइसोसोम। लाइसोसोम याद करने के लिए प्लांट सेल हम लोग किसे याद करते थे, CFL, सिलिया, फ्लेजला और लाइसोसोम। और इसमें क्या मिलेगा, CPC, सेल वाल, प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट। अब इसमें क्लोरोप्लास्ट अलग से लिखने कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि प्लास्टिड के तीन भाग तोड़े थे हम लोग, किसमें, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो आप पिछली वाली वीडियो अगर आप नहीं देखा है तो आप पीछे जाके उस वीडियो का देख सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, ये डिफरेंस हमने देख लिया। अब देखिए अब आ जाता है हमारा, क्या हमारा आ जाता है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ये क्या चीज होता है। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है प्रारंभिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है, मैं ऊपर ही लिखता जाता हूं आप ध्यान से नोट करते रहिए, प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है प्रारंभिक स्थिति या स्टार्ट होना,
कोशिका। ये जो प्रोकैरियोटिक होती है ये क्या होती है, अविकसित होती है, ये विकसित नहीं होती हैं, अविकसित होती हैं। इन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है, नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है, नंगी आंखों से। तब क्या सोच रहे हो कि यूकैरियोटिक नंगी आंखों से देखा जाएगा, किसी भी सेल को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, ये भी नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, ठीक है, ये भी नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। और देखिए ये किस में पाया जाएगा, प्रोकैरियोटिक ये मैक्सिमम किस में पाए जाते हैं, वायरस वगैरह में, किस में, वायरस में, बैक्टीरिया में, ये सब पाए जाते हैं। उसके बाद इनका जो बीमारी होती है बहुत तेज़ी से फैलते हैं, बीमारी फास्ट फैलाते हैं, और इनका जो प्रजनन दर होता है, क्या चीज़, इनका जो प्रजनन होता है, प्रजनन फास्ट होता है। अब देख लीजिए यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कभी नंगी आंखों से हम नहीं देख सकते। ये कैसी होती हैं, ये विकसित होती हैं, यूकैरियोटिक विकसित कोशिका होती है। ये किस में पाया जाता है, जो प्रोकैरियोटिक थे इन्हें किस में पाया जाता था, वायरस में, बैक्टीरिया में, लेकिन यूकैरियोटिक ये विकसित कोशिकाएं होती हैं, ये गाय, भैंस, भेड़, बकरा, आदमी, ये सब में पाई जाती है। ये फुल बॉडी फंक्शन इसका करता है यूकैरियोटिक का। अब यूकैरियोटिक का अगर मैं बताऊं तो यूकैरियोटिक के लिए याद कैसे करोगे, तो यू यू एंड यू, मतलब तीन चार लोगों का बताओ कि आप यानी यू 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 अगर बोलोगे तो क्या हो जाएगा, यूकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक कैसे होते हैं, विकसित होते हैं, ये जैसे भेड़ वाले आदमी फुल बॉडी फंक्शन करता है, ये क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक की तुलना में बड़े होते हैं, प्रोकैरियोटिक की तुलना में यूकैरियोटिक क्या होते हैं, बड़े होते हैं। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, 70S राइबोसोम का जो दो भाग में बांटे थे हम लोग, और उसमें प्रोकैरियोटिक में 70S और यूकैरियोटिक में 80S होता है। अब देखिए अब हम लोग प्रोकैरियोटिक का फिगर देख लीजिए, ये ऊपर ऊपर क्या है, ये अभी शुरुआत में बताया था, ये ऊपर जो रहेगा इसे क्या बोलेंगे हम लोग, सिलिया, क्या बोलेंगे, सिलिया बोलेंगे। और ये जो पूंछ के आकार का है इसे क्या बोलेंगे, फ्लेजला, क्या बोलोगे, फ्लेजला बोलोगे। अब सिलिया फ्लेजला तो समझ लीजिए, अब ये जो सिलिया और फ्लेजला है ये एक एक कोशिकीय जीव जो विकसित कोशिका को एक कोशिकीय जीव ये हो गया, ऊपर से क्या होगा, अविकसित होगा, तो एक कोशिकीय जीव की अविकसित कोशिका को क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका बोलते हैं। इसमें माइटोकांड्रिया नहीं पाया जाता है, इसमें माइटोकांड्रिया नहीं पाया जाता है, और ये अपना एक स्थान से आगे पीछे जो होता है ये तब बोलोगे, इसमें आगे पीछे ऊर्जा घर ऊर्जा की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है तो ये ऐसे ही बना लेता है। और ये आगे पीछे होने के लिए किसका प्रयोग करता है, सिलिया और फ्लैजेला की मदद से ये क्या होता है, आगे पीछे होता है, कौन, 70S या प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं। अब देखिए अब प्रोकैरियोटिक समझ गए, और इसमें यूकैरियोटिक में माइटोकांड्रिया मिलेगा, क्या मिलेगा, माइटोकांड्रिया, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम वगैरह वगैरह सब मिलता है इसमें। आगे देखिए क्या क्या प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर मिलेगा। प्रोकैरियोटिक क्या होती हैं, छोटी होती हैं किसके तुलना में, यूकैरियोटिक के तुलना में। उसके बाद जो यूकैरियोटिक होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के ऊपर क्या होता है, एक कवर लगा होता है, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस के ऊपर कोई कवर नहीं होता है, क्या होता है, कवर नहीं होता है। अब जो यूकैरियोटिक होता है श्वसन के लिए किसका प्रयोग करते हैं, माइटोकांड्रिया। अब मैं आपसे एकदम याद करने वाला सवाल पूछता हूँ, पिछले चैप्टर में मैंने बताया था कि माइटोकांड्रिया होता है श्वसन के लिए कौन से साइकिल का प्रयोग करता है, एटलस वाले, एयरटेल वाले, तो क्रेब्स साइकिल का प्रयोग करता है, कौन सा साइकिल, क्रेब्स साइकिल, और क्या बनाता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है। और एक ग्लूकोज का निर्माण करने में कितने एटीपी की आवश्यकता होती है, एटीपी की आवश्यकता, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, कितने, 28 का। ये पीछे वीडियो में अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो हमारे पिछले वीडियो में क्या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, उसमें क्या हम लोगों ने बना रखा है, पूरी प्लेलिस्ट बना रखा है, आप उसमें से जाकर के पूरा ध्यान से देख सकते हैं। उसके बाद ये इसमें जो होता है, इसमें 70S क्या करते हैं, 70S का उपयोग करते हैं, और इसमें क्या होता है, 80S का प्रयोग करते हैं। यूकैरियोटिक में श्वसन के लिए किसका प्रयोग करता है, माइटोकांड्रिया का प्रयोग करता है, लेकिन इसमें क्या करता है, जीव द्रव्य का प्रयोग करता है। अब जीव द्रव्य भी मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बता रखा है कि जीव द्रव्य क्या होता है, कोशिका के भीतर एक तरल पदार्थ होता है जो एक दूसरे से कोशिकाओं को, माइटोकांड्रिया सबको लड़ने से क्या करता है, बचाता है, और उसमें 95% क्या होता है, वाटर होता है, आपने देख चुके हैं। अब इसमें बीच में देखिए क्या क्या चीज़ें हैं, कि जो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों में पाई जाएगी वो क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे सिलिया और फ्लेजला ये दोनों में पाए जाएंगे, डीएनए, मतलब कि अगर डीएनए दोनों में पाया जाता है, उसके बाद जीव द्रव्य मतलब लिक्विड दोनों में पाए जाएंगे, प्रकाश संश्लेषण, ये देखो पेड़ पौधे का अगर है तो दोनों में पाए जाएंगे, नहीं तो इसमें प्रकाश संश्लेषण की कोई आवश्यकता नहीं थी। उसके बाद इसमें देखिए झिल्ली दोनों में पाए जाएंगे, उसके बाद सेल वाल अगर पेड़ पौधे का है तो दोनों में पाया जाएगा, ये सेल वाल इसको भी हटाई दो,
इसकी भी आवश्यकता नहीं है और इसका भी हटा दो। उसके बाद राइबोसोम, राइबोसोम क्या करेगा, दोनों में पाया जाएगा। अब देखिए राइबोसोम, राइबोसोम दोनों में पाया जाएगा। अब बढ़िए आगे, अब एक प्लांट में बताता हूँ और पूछता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे अगर मैं एक प्रोकैरियोटिक बता दूँ, एक तरफ लिख दूँ प्रोकैरियोटिक और एक तरफ लिख दूँ यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में क्या आएगा, तो प्रोकैरियोटिक में क्या आ जाएंगे, आपके छोटे छोटे वायरस, वायरस जीवाणु। और इसमें क्या आ जाएंगे, इसमें दो भागों में यूकैरियोटिक को बताएंगे। इसमें एक में आ जाएगा प्लांट और एक में आ जाएगा एनिमल। अब मैं कुछ चीज़ें पूछता हूँ, कंटिन्यूअस आप बताते जाइए। जैसे अगर मैं पूछूँ कि माइटोकांड्रिया किस में पाया जाएगा, माइटोकांड्रिया एक तरफ मैं लिख देता हूँ प्लांट और दूसरी तरफ एनिमल, और मैं पूछता हूँ किस में पाया जाएगा, माइटोकांड्रिया किस में पाया जाएगा, तो ये दोनों में पाया जाएगा, एनिमल और प्लांट दोनों में सेल में पाया जाता है। सेल वाल किस में पाया जाएगा, तो सेल वाल ओनली प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन, अगर मैं पूछ दूँ सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाया जाएगा, दोनों में पाया जाएगा। ऐसे नहीं, मैं बल्कि दूसरे तरीके से एक तरफ टिक लगाने वाला बताता हूँ। जैसे अगर मैं आपसे पूछ दूँ कि माइटोकांड्रिया किस में पाया जाएगा, तो ये दोनों में पाया जाएगा, एनिमल और प्लांट दोनों में। सेल वाल ओनली प्लांट में पाया जाएगा, एनिमल में नहीं पाया जाएगा। सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाया जाएगा। ऐसे ही आप एक बार पूरे का पूरे बना करके देखिए, उसके बाद देखिए और एक्स्ट्रा क्या क्या पाया जाता है इन दोनों में। इसमें देखिए ये खाली खाली जो होता है प्रोकैरियोटिक, खाली खाली होता है, इसमें क्या क्या एक्स्ट्रा मिलेगा आपको। इसमें आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा माइटोकांड्रिया, गल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, उसके बाद लाइसोसोम वगैरह वगैरह सब इसमें पाए जाते हैं। जबकि इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं होती, सब माइटोकांड्रिया, गल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, ये सब खत्म होता है। तो आगे के जो पूछताछ होगी, अगली वीडियो जो बनाएंगे वो नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।